वो मरा क्यों नहीं? अरे साला मरेगा तब तब मानोगे कि ये रियल एक्सीडेंट है। हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए मिस्टर एंड हैकर फ्लाइंग बीस्ट सौरभ जोशी व्लॉग से रिलेटेड न्यूज अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट बात करते हैं मिस्टर एंड हैकर के बारे में। फाइनली गाइस, दिलराज भाई टाइटेनियम आर्मी की डिमांड पर स्कॉर्पियो को वापस ले आए हैं अपने स्टूडियो पर। और क्या गाइस, मिस्टर एंड हैकर इंश्योरेंस वालों के साथ नाराज है। दिलराज भाई ने कहा जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो कहते हैं हमारे से करवाओ हमारे से करवाओ, और जब किसी का एक्सीडेंट होता तो साले किसी की सुनते तक नहीं है। जब भी आप इंश्योरेंस कराए तो थोड़ा सोच समझ के कराए, सभी कंपनी ऐसी नहीं होती, बहुत सारी कंपनी अच्छी भी होती है। और एक और मजे की बात पता है, सबसे बेतुका सवाल जो पूछा जाता है या फिर जो कि रीजन दिया जाता है, अगर मान लो किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है ना भाई, और अगर उसके अंदर ड्राइवर को चोट नहीं लगी है तो उनका कहना होता है कि भाई उनका या फिर मतलब किसी का भी कि कहना होता है कि ड्राइवर को चोट क्यों नहीं लगी है, वो मरा क्यों नहीं? अरे साला मरेगा तब मानोगे कि ये रियल एक्सीडेंट है या फिर रियल ये हुआ है। अरे ये तो शुक्र मनाने वाली बात है कि यार कि गाड़ी इतनी अच्छी थी या फिर भगवान ने अच्छा किया, ऊपर वाले बजरंगबली साथ थे कि साला गाड़ी का कुछ भी सत्यानाश हो गया लेकिन बेचारे ड्राइवर को कुछ भी नहीं, ये तो उल्टा खुशी मनाने वाली बात होती है ना, कि ये इससे जज किया जाता है कि उसको लगी नहीं साले को, उसको चोट नहीं लगी। हाँ मतलब लगनी चाहिए, तब जाके तुम्हारा क्लेम पास होगा, तब जाके वो सारी चीजें होगी। गाइस पर्सनली किसी के लिए हेट नहीं है यार, सबका अपना अपना धंधा है। बस बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। गाइस फ्लाइंग बीस्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर करी है जिसमें गौरव तनेजा सर मिले हैं सौरभ जोशी द यूके 07 राइडर राउंड टू हेल के साथ। तो अगर आप खुद देखना चाहते हो तो इनके इंस्टाग्राम पर जाकर आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, अगर आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।